सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द फ्रंट। देश भर में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के इस वक्त धरना प्रदर्शन और हंगामा चल रहा है। जगह जगह जो है लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मुंबई में भी आजाद मैदान में न सिर्फ आम लोग बल्कि फिल्मी हस्तियां, फिल्म जगत के लोग और कई सारे बुद्धिजीवी भी कूच कर चुके हैं और आजाद मैदान पहुंच रहे हैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए। हमारे साथ जाने माने संगीतकार प्रोड्यूसर सतीश जी मौजूद हैं, जो इत्तफाकन इस वक्त दिल्ली में हैं। दिल्ली की सर्दी का मजा लेने आए थे, लेकिन फिलहाल ये प्रदर्शन की गर्मी महसूस कर रहे हैं। CAA को लेकर के जो एक भ्रम फैला हुआ है, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में बुद्धिजीवी भी उनको समझाने की बजाय भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। इसको किस तौर से देख रहे हैं लोग, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार ये बिल क्या है और वाकई मुसलमानों के विरोध में है भी या नहीं है? देखिए, आज विवेक भाई, मैं यहाँ पे सिर्फ एक आम आदमी की हैसियत से यहाँ पे आया हूँ। संगीतकार और प्रोड्यूसर तो बाद में हूँ, मैं भी वो आम आदमी के तरह ही आज बात करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ये भ्रांतियाँ जो फैलाई गई हैं, ये सुनियोजित हैं। ये कुछ लोगों की एकदम पूरी प्लानिंग है कि देश में अराजकता की स्थिति फैलाई जाए। देश हमारा इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, आगे की तरफ अग्रसर है। विश्व पटल पे भारत, आप समझ लीजिए कि एक गुरु के रूप में, एक नेता के रूप में, एक लीडर के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो ये हमारे ही देश में नहीं हो सकता है कि कहीं बाहर की भी विदेशी शक्तियाँ इसमें इन्वॉल्व हों और मिल करके इसमें ऐसा भ्रांतियाँ पैदा करना चाहती हैं कि लोगों के मन में एक अलग सी भावना है। हमारा देश वो देश है विवेक भाई, जहाँ की मैंने एक बहुत पहले एक चार लाइन लिखा था कि जब हिंदू अजान करेगा, जब मुसलमान श्रीराम कहेगा, जब बोलेगा ईसाई वाहे गुरु की जय, सबका मालिक एक जब निकलेगा सिख की मुख से, किसकी हिम्मत जो ले हमसे टक्कर, ये धरती तो क्या झुक जाएगा अंबर। हमारा देश इतना खूबसूरत देश रहा है और इसमें ये जो CAA को लेकर ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि हमारे देश के मुसलमानों को यहाँ से अलविदा कहने की प्लानिंग चल रही है, ऐसा सोचिए कितनी गलत ये बात फैलाई जा रही है हमारे देश में। ये सिंपल सी बात है कि ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जो ये तीनों मुस्लिम बाहुल एक राष्ट्र हैं, वहाँ पे जो एक अल्पसंख्यक वर्ग है, आपका बौद्धिस्ट हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, ईसाई हो गए, ये सारे लोग जितने भी लोग हैं, इन लोगों के भाई वो भी तो अत्याचार के शिकार होते हैं। किसी भी मुल्क में वहाँ का जो अल्पसंख्यक होता, हो सकता है अत्याचार का शिकार हो, तो भाई हमारा देश अगर उनको लेकर अपने देश में आकर उनको भी एक पनाह दे रहा है, जगह दे रहा है, हटा तो नहीं रहा ना किसी को, किसी को यहाँ से हटा नहीं रहा है, भगा नहीं रहा है, बल्कि बाहर के मुल्क से आए हुए उन सताए हुए लोगों को अपने यहाँ पनाह दे रहा है, तो इसमें क्या बुराई है बताइए। बिल्कुल, आपने जो बात कही, जिस तरीके की भावनाएं आपने रखी, जो आपने लिखा था चार लाइनें जो आपने सुनाई उसमें से, बिल्कुल भारत इसी तरीके से वसुधैव कुटुंबकम और सनातन धर्म को मानने वाला रहा है और हमने सबको यहाँ शरण दी है। इसी सिद्धांत पर भारत हमेशा से चलता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सियासत की वजह से इसको तोड़ने की कोशिश हो रही है, ऐसा दिख रहा है। आज एक और वीडियो आया है मनमोहन सिंह का, ये वीडियो 2013 का है सतीश जी। मनमोहन सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय अटल जी की सरकार थी और मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में ये मांग की। अटल भी उस वक्त सदन में मौजूद थे, लाल कृष्ण आडवाणी, और उन्होंने ये मांग की और ये कहा कि उप प्रधानमंत्री जी इस बात पर विचार करें कि नागरिकता संशोधन विधेयक जो है वो जल्दी से जल्दी लाया जाए, क्योंकि बाहर के लोग, खास करके पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक, जो हिंदू वहाँ सताए जा रहे हैं धार्मिक आधार पर और भारत में आ रहे हैं, शरण लेते हैं, उनके हितों की रक्षा करने का दायित्व। कहने का मतलब ये है कि जो पार्टियाँ जब विपक्ष में रहती हैं तो उनकी कथनी कुछ और होती है, और जैसे ही वो सत्ता में आती हैं उनकी कथनी कुछ और होती है, और सत्ता वाले विपक्ष में जाते हैं तो उनकी कथनी कुछ और होती है। ममता बनर्जी का भी इसमें उदाहरण है, नागरिकता और बांग्लादेशी शरणार्थियों का मुद्दा उन्होंने उठाया था और चुनाव जीत कर आई। तो ये सब जो सियासत चल रही है कुल मिलाकर के, इसको आम जनता को किस तरीके से समझना चाहिए? देखिए विवेक भाई, हम लोग एक आम नागरिक ही हैं। मैं आर्टिस्ट हूँ लेकिन एक आम नागरिक हूँ।
हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो आम नागरिक ही हैं, और आम नागरिक को ये समझ में आ रहा है, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये चंद लोग हैं जो, अब आप एक बात बताइए, जैसे आपने बताया कि मनमोहन सिंह जी ने इसका सपोर्ट किया था, उन्होंने संसद में आवाज़ उठाई थी, और आज उसी आवाज़ को सोनिया गांधी जी क्यों दबा रही हैं, आज उसी के अगेंस्ट में कांग्रेस क्यों खड़ी है? यानी कि आप आपस में ही पहले संगठित नहीं है, आपस में ही आपकी विचारधारा अलग है, तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको मनमोहन सिंह जी ने जो बात कही थी वो बात सही थी या गलत थी, पहले आप पहले डिसाइड तो करिए इस चीज़ को। और दूसरी चीज़, हमारे यहाँ ये चंद जो, ये जो आप क्या सोच रहे हैं, छात्र हैं जो जामिया के छात्र हैं या कहीं के छात्रों को बताया जा रहा, छात्रों के पास, मैं भी एक छात्र जीवन में रहा हूँ, हम लोगों ने भी बहुत प्रोटेस्ट किया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, BHU में बहुत प्रोटेस्ट किए हैं हम लोग, लेकिन हम लोग कभी भी, विवेक भाई, हम लोगों ने अपनी धारा को, जो अपनी एक पता है कि हमको इससे आगे नहीं जाना है, इस चीज़ को कभी तोड़ा नहीं, क्योंकि एक डर था, एक भय था, एक एजुकेशन, एक जो संस्कार थे हमको दिए गए थे उससे हम लोग बंधे थे। तो छात्र हमेशा अपने संस्कारों से बंधा रहता है, अपने घर परिवार और जो उसको शिक्षा दी जाती है, इतनी गलत शिक्षा हमारे हिंदुस्तान में नहीं दी जाती है। ये चंद जो है पैदा किए हुए लोग हैं, ये भेजे हुए लोग हैं छात्रों के बीच में, आगजनी आप बताइए कि छात्र जो है बस जलाएगा, छात्र एक वो, लेकिन वो घुस के उनके बीच में घुस के उनके अंदर उग्रवाद पैदा करना, ये सब प्री प्लान्ड है विवेक भाई। और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी ये मतलब जो है द फ्रंट की ओर से मेरी विशेष मांग है कि कम से कम सरकार इस पे गंभीरता से विचार करे और जितने भी उग्रवादी हैं उनको चिन्हित करे बाय नेम बाय फेस, और ऐसे दंड का प्रावधान करे कि दोबारा ये लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से पहले कम से कम 100 बार सोचें। बिल्कुल, सरकार इस बात की पुख्ता व्यवस्था की हुई है, दिल्ली पुलिस भी इस बात की जांच कर रही है और इस एक इंक्वायरी की भी डिमांड चल रही है कि छात्रों के ऊपर जो ये आरोप लगाए गए हैं कि उन लोगों ने बसें जलाई, उन लोगों ने सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया, ये दरअसल वाकई छात्र थे या उग्र प्रवृत्ति के कुछ अन्य लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर के उन लोगों ने इस माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया। लेकिन फिर हम लौटेंगे उसी मुद्दे की ओर, इसलिए लौटेंगे कि आप आम जनमानस में जब बात करते हैं, आम मुस्लिमों से या मुस्लिम समुदाय के लोगों से आज जब बात करते हैं, तो उन्हें पता नहीं है कि CAB या CAA जो नागरिकता संशोधन एक्ट है वो क्या है। उनके पास सिर्फ एक बात की जानकारी है, उनको सिर्फ एक भ्रम के जरिए या एक अफवाह के जरिए उनको ये समझाया गया है कि ये बिल जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों को देश से बाहर करने का है और इससे मुसलमान जो है मुसलमानों के हितों की रक्षा नहीं होगी, मुसलमानों के विरोध में है बिल। हालांकि अमित शाह इस बात को कई बार और सरकार की तरफ से कई बार इस ये कहा जा चुका है कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। लेकिन मैं फिर उस संदर्भ में आज आपको इसलिए जोड़ूंगा सतीश जी, क्योंकि हम आप सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, सियासतदान जो लोग होते हैं राजनीत करने वाले, वो तो सियासत करेंगे, राजनीत करेंगे, वोट बैंक के लिए वो लोगों को बरगलाएंगे, लेकिन जो बुद्धिजीवी इस बिल का विरोध कर रहे हैं, क्या उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बुद्धिजीवियों का समाज के प्रति जिम्मेदारी एक बहुत मजबूत भूमिका होती है और जनता उनकी बात सुनती है तभी वो समझती है कि ये बिल वाकई है क्या। सर, आपसे एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, बुद्धिजीवी किनको आप बोल रहे हैं, वो हैं कौन? वो बुद्धिजीवी की परिभाषा पहले है क्या? बुद्धिजीवी क्या हम लोग भी तो उसी श्रेणी में आ सकते हैं ना कि नहीं है? हम लोग भी तो हैं ना उस श्रेणी में, आप भी हैं, आप लोग पत्रकार से बड़ा बुद्धिजीवी कौन होता है? बुद्धिजीवी का मतलब ये नहीं है कि आप एजेंडे के तहत काम करिए, बुद्धिजीवी का मतलब ये होता है कि आप अगर मान लिया किसी मसले पे अगर सरकार से भी भूल चूक अगर हो रही है तो आप माहौल को ख़राब न करें, आप माहौल को बना के रखें और सरकार के साथ खड़े होकर बाद में आप चर्चा करिए उस पर कि आपने ये किया, ये गलत किया, ये सही किया। बातें वो करें जो देश हित में हो, देश हित में हो। मुझे लगता है कि ये तो देश हित की बात है जिसमें कि एक भारत जो है हमारा हिंदुस्तान इतना बड़ा दिल हृदय पूरे विश्व पटल पर रख रहा है और आप एक गलत सी एक बहुत ही अलग बात आप मार्केट में फैला रहे हैं। ये भ्रमित बुद्धिजीवी हैं, ये एक नया इंटेलेक्चुअलिज्म आया जिसको मैं कहता हूँ कि ये भ्रमित इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कि खुद तो भ्रमित ही हैं, ये दूसरों को भी, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे जितने इनके दायरे में जो लोग इनकी बातों में आ रहे हैं उनको भी भ्रम में रखे हुए हैं।
एक्चुअल में इनके ऊपर से भ्रम का आवरण हटना बहुत ज़रूरी है विवेक भाई। अगर ये नहीं हटता है तो ये जो भ्रमित बुद्धिजीवी हैं, जिनको आप बुद्धिजीवी कह रहे हैं, ये लोग देश के लिए बहुत बड़े एक पॉइजन के रूप में उभर रहे हैं और ये देश को बड़े गर्त की तरफ लेके जाने वाले हैं। इन लोगों के ऊपर से इस आवरण को हटाना बहुत ज़रूरी है और ये हम सारे लोग मिलकर हटा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को इनकी बातों को एक सिरे से नकारना होगा, हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। हम जब तक इनकी बातों को खुलेआम नहीं नकारेंगे, हम जब तक खुलेआम एक आवाज़ खुद नहीं बनेंगे, हम सच के साथ खड़े नहीं होंगे, हम सिर्फ अगर सोशल मीडिया पर इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, तो ये इनकी आवाज़ को लोग मान लेंगे कि यही देश की आवाज़ है। नहीं है, जबकि ये नहीं है, देश की आवाज़ हम लोग हैं। ये भ्रमित बुद्धिजीवी हैं विवेक भाई, सॉरी, इन लोगों को बुद्धिजीवी मत कहिए आप। चलिए सतीश जी, क्योंकि एक संगीतकार हैं और संगीत एक ऐसी विद्या है जो मन की शांति के लिए और समाज में फैले जहर को ख़त्म करने के लिए बेहद उपयोगी हो सकती है। ऐसे में अगर एक बेहतरीन संगीतकार बगल में खड़ा हो तो उससे एक संगीतमय संदेश लेना तो बनता ही है। मैं एक लिखा था देश के ऊपर ही कि हमारा देश देखिए बहुत ही विविधताओं से बड़ा हुआ है। हमारे में कल्चर है, संस्कार है, भाषाएं हैं, फिर भी हम अनेक हैं, अनेक होते हुए भी हम एक हैं। तो हमने लिखा था कि हर भाषा का जहां संगम है, हर धर्मों का मिलन है, शहीदों की कुर्बानी से ये धरती तो पावन है, सबसे प्यारा है जान हमारा है अपना ये वतन। हम कहते रहेंगे वी आर इंडियंस। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, हम अनेक विविधताओं के होते हुए भी हम एक हैं और यही हमारी संस्कृति है और यही हमारी मजबूती है। सर, मैं चाहता हूं कि सारा देश इस वक्त सरकार के साथ खड़ा हो, इस भ्रम को, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, उनके भ्रमित आवरण से दूर रहे। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम एक हैं, विविधताओं में अनेकता, अनेकताओं में एकता हमारी संस्कृति रही है, और हम और आप जो आम लोग हैं, सबसे पहले किसी भी चीज़ को विरोध करने से पहले उसको समझें, जानें, और अगर विरोध है तो वो विरोध होना चाहिए लेकिन हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। सरकारें हैं, सरकारें हमारे और आपके लिए बनती हैं, जो नुमाइंदे होते हैं सरकार के उन्हें हम चुन के भेजते हैं और हमारी बातें सुनने का उनको उनकी मजबूरी है और हमारा हक है कि हम अपनी बात उन तक पहुँचाएँ। लेकिन एक बार फिर हमारी और द फ्रंट की ये अपील रहेगी कि अगर आपका कोई विरोध है तो आप उसको खुले दिल से, खुले मन से सरकार तक पहुंचाएं, न कि हिंसात्मक तरीके से। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।